जिले में गिरोह बनाकर अपराध करने वाले बदमाशों पर गैंगस्टर की कार्रवाई के बाद अब उनकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई होनी है। इसके लिए पुलिस ने सक्रिय रूप से अपराध करने वाले 87 बदमाशों की सूची तैयार कर ली है। वहीं इसमें 15 बड़े बदमाशों के नाम भी शामिल किए गए हैं। आपको बता दें, जिले में अपराध करने वालों की नकेल कसने के लिए SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर को विशेष कार्रवाई अभियान चलाया है। इसके तहत जालसाजी, लूट, हत्या, चोरी जैसे जघन्य अपराध करने वाले बदमाशों को गिरोहबंद करने की कार्रवाई की गई। पुलिस ने सभी की रिपोर्ट तैयार की और DM की संस्तुति के बाद कार्रवाई की, फिर जेल भेजा था। अब पुलिस अवैध कमाई से बनाए गए इमारत पर कार्रवाई की तैयारी में है। SSP ने सभी अफसरों के साथ बैठक कर इसकी रूपरेखा तैयार कर ली है। SSP के निर्देश पर 87 ऐसे लोगों की सूची तैयार की गई है जिन्होंने अपराध से कमाई गई रकम से संपत्ति बनाई है। अब उनके अवैध कमाई से बनाई गई संपत्तियों पर कार्रवाई होनी है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, देखिए, शासन के निर्देशानुसार लगातार जो आदतन अपराधी हैं, अभ्यस्त अपराधी हैं, उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए और उनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए लगातार निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में गैंगस्टर एक्ट के तहत हिस्ट्री शीट खोलने का जो प्रक्रिया है, गुंडा एक्ट के तहत और विभिन्न अन्य कार्यों के तहत जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, 14(1) गैंगस्टर एक्ट की धारा के तहत उनकी संपत्ति जब्तीकरण के लिए भी लगातार निर्देश दिए गए हैं। आने वाले दिनों में भी जो भी इस तरह के अपराधी गैंग बना करके आदतन अपराध से धन अर्जित करेंगे, उनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की जा रही है।